वफा का वह दौर अलग ही था। तब लोग किसी के किए हुए काम को और अच्छे काम को माना करते थे, लेकिन आज आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। लोग उसी उंगली को पहले काटने की कोशिश करते हैं जिसको पकड़कर वो चलना सीखे। भंडारी जी ने कितने कार्यकर्ताओं को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया कि आप लोग सब बैठे हो, आज इतने सब आए हुए हैं, वो सबको मालूम है कि उन्होंने हम सब के जीवन के अंदर एक छोटा छोटा सा बहुत पेड़ा करके हम लोगों को पढ़ाने का, आगे बढ़ाने का काम किस तरीके से किया। उन्होंने कितने कितने कार्यकर्ताओं की उंगली पकड़ी और इस राजनीतिक पगडंडी के ऊपर चलाने का, उनको कैसे संभालने का, उन्होंने हाथ पकड़ के उंगली पकड़ कर उनको। पर वफा का वह दौर अलग ही था। तब लोग किसी के किए हुए काम को और अच्छे काम को माना करते थे, और कोई उपकार होता था तो उस उपकार को भी अच्छी तरह से समझते थे और उसको भी माना करते थे। लेकिन आज आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। लोग उसी उंगली को पहले काटने की कोशिश करते हैं जिसको पकड़कर वो चलना सीखे। 1966 में भंडारी जी राज्यसभा में गए। 67 में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने जब अध्यक्ष पद भारतीय जनता पार्टी का संभाला, तब उन्होंने भंडारी जी को राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया। पंडित जी की जो रहस्यमय मृत्यु हुई थी उसके तुरंत बाद अध्यक्ष बने हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। तब भी